नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। आज माँ वाराही की नगरी मांडवा में सर्व गोत्रीय रावल ब्राह्मण सेवा समिति की ओर से सामूहिक विवाह हो रहे हैं और इस विवाह के अंदर अपने रावल समाज के जितने भी अलग अलग परगने हैं उन परगनों से वर व वधु दोनों ही यहाँ पर आज से अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन रहे हैं और इस सामूहिक विवाह को लेकर यहाँ मांडवा में व्यापक तैयारियाँ की गई है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा रावल समाज एक तरह से उमड़ पड़ा है। आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है। कहते हैं कि इस दिन कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं रहती। इस दिन माँ वाराही के दरबार में मांडवा देखिए जहाँ पे धेनु चल रही है गौशाला में, आज ये गौ माता भी आनंद से झूम उठी है क्योंकि पर्व है सामूहिक विवाह का। सर्व गोत्रीय श्री रावल ब्राह्मण बारह शासन सेवा समिति सिरोही के तत्वाधान में, ये देख रहे हैं आप, इस समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार मीठालाल जी पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम में अभी इस वक्त वर वधु पक्ष का ये स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर सामेला और तोरण की विधि चल रही है। इसके साथ ही कुछ ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे हस्त मिलाप होगा, सभी जोड़े आपस में परिणय सूत्र से बंधेंगे। उसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इस पधारे हुए संत महात्माओं के आशीर्वाद और उसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में जिन जिन भामाशाओं ने सहयोग दिया है ऐसे समस्त रावल समाज के भामाशाओं का स्वागत होगा। इस कार्यक्रम में अब तक करीब 8,000 से अधिक लोग मांडवा पहुँच चुके हैं और आज परिणय सूत्र में बन रहे हैं चिरंजीव दीपक कुमार लादू राम जी मांडवा संग प्रियंका कुमारी महेंद्र कुमार जी दानावा, यश कुमार महेंद्र कुमार जी दानावा संग पिंकी कुमारी लादू राम जी मांडवा, संदीप कुमार मूलचंद जी अरठवाड़ा संग काजल कुमारी जोगाराम जी तलारी, मुकेश कुमार जयंतीलाल जी मोहब्बत नगर संग उर्मिला कुमारी जगदीश जी सिरोही, किरण कुमार जोगाराम जी राम सिंह संग जयश्री कुमारी प्रकाश जी बेला, अमित कुमार किशोर जी फलवदी संग हीना कुमारी हरिशंकर जी दानावा, जितेंद्र कुमार मीठालाल जी शिवगंज संग मनीषा कुमारी रमेश जी ओर, कैलाश कुमार हिम्मत जी ऐसाऊ संग टिम्पल लीला राम जी फुलेरा, कमलेश कुमार लीला राम जी फुलेरा संग काजल कुमारी हिम्मत जी ऐसाऊ, मनोज कुमार जयंतीलाल जी देवधर संग कृष्णा कुमारी रेवा शंकर जी ऐसाऊ, देवेंद्र कुमार चंपालाल जी लुणावा संग कुसुम कुमारी जयशंकर जी डायलाना कुर्द, भरत कुमार गणपत जी धल्ला संग सारिका कुमारी जयशंकर जी डायलाना खुर्द, ये सभी जोड़े यहाँ पर विद्वान पंडितों की देखरेख में मंत्रोच्चार के साथ में आज समाज के हाजिर नाजिर में परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है। इस कार्यक्रम के जो प्रभारी है वो राज रावल वो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देख रहे हैं जबकि स्वाभिमान की टीम एक एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। समाज गंगा आज यहाँ पर आई है, यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था की पूरी तैयारियाँ है और ये देखिए यहाँ पर अर्थ मिलाप हो रहा है।
कार्यक्रम को लेकर भोजन के लिए विशाल पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर इस समिति के पदाधिकारी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए कितने विशाल शामियाने, यहाँ पे हजारों लोग इस समय महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का मौका है। उसके अतिरिक्त इस सामूहिक विवाह में जो जिनका प्रमुख योगदान रहा है, ऐसे श्री राजेश कुमार व संजय कुमार मीठालाल जी, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो सुरेश कुमार लादूराम जी जीरावल और सुरेश कुमार लादूराम जी जीरावल परिवार, तो इसके अतिरिक्त रमण जी सोनाराम जी हड़बतिया, बबन लाल लादूराम जी जीरावल, चेतन कुमार अशोक कुमार जी साहिला, दुर्गा शंकर लाला राम जी मांडवा, इसके अतिरिक्त दूल्हे राजा के सूट के भामाशाह जयंतीलाल बबू जी कानपुरा, मांगीलाल गौरी शंकर जी अंकलेश्वर, चंपालाल सोनाराम जी गोयली डी एन ज्वेलर्स, बाबूभाई फरगदी, हिम्मत राम रति राम जी कैंजो ग्रुप मुंबई, मयूरी फैशन के सुंदर देवी रामलाल जी खुशाल नगर, उसके अतिरिक्त देवाराम लुम्बाराम जी भंदर परिवार, मोहनलाल रूपाराम जी रायपुरिया बेलगांव, रावल ब्राह्मण युवा जागृति मंच, श्रीमद भागवत कथा महोत्सव मंडवारिया, चंपालाल छोगा जी सेवड़ा, मुकेश कुमार गोवर्धन जी पिंडवाणा, महेंद्र कौर पन्नालाल जी पीपल की, उकाराम पूर्णिमा जी रावल जीरावल बस्तीमल, गोपाल जी अरटवाड़ा, धराखी देवी शांतिलाल जी सालनेश्वर जी सुंदर बेटियों की विदाई के लिए समाज ने दिल खोलकर कन्यादान किया है और माँ बाराई माता ट्रस्ट मांडवा जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर वर वधु के प्रत्येक जोड़े को एक एक कूलर, इस प्रकार से किस किस की गिनती करें, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरी समाज एक तरह से मानो उमड़ पड़ी है, यहाँ तिल रखने को जगह नहीं है। हमारे समूह विवाह कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य राजेश जी चेन्नई, जहां कहीं भी मंच पे बता रहे हैं, राजेश जी चेन्नई, राजेश जी सिरोही। गायत्री आश्रम के अध्यक्ष लाला राम जी, पंडित सूरज आनंद जी से कितनी हस्तियां देखी, यहाँ पर बाबा सा सम्मान चल रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। वर्ष 2009 में सामूहिक विवाह हुए थे और आज फिर से हो रहे हैं। उन दोनों विवाहों के बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आज का कार्यक्रम? उसमें जो 2008-09 में सामूहिक विवाह हुआ उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन उसमें ये थोड़ा है कि वो खर्चा कुछ जो है उसकी अधिकता नहीं, और व्यवस्था में या जो कुछ भी देखा है या सुना है उसके अंदर अत्यधिक खर्चा और थोड़ा काम ज़्यादा होने से फिर खर्चे का वो कहते हैं हिसाब किताब नहीं होना, तो ऐसी कई बातें हुई। तो ऐसे होने के बाद फिर ये बाराई माता की अभी 2021-22 में वापस अपने युवाओं ने एक सोचा कि ऐसा विवाह जो 2008-09 में हुआ था, कम खर्च में कम समय में
और उसमें सुव्यवस्था हो और इस प्रकार से तो वापस इसको पुनरावृत्ति की जाए। लेकिन सर आज तो जैसे पूरा कुंभ उमड़ पड़ा है, यहाँ पे तीन रखने के लिए जगह नहीं है, न गांव में जगह है, न पांडाल में जगह है, न बाहर जगह है, ये सब कैसे हुआ? ये सब समाज का जो है दृष्टि है, समाज की दृष्टि है, फिर वराही माता जो है ये ट्रस्ट है और इसके साथ साथ इस ट्रस्ट के द्वारा जो भी अन्य भी ट्रस्ट भी आगे से आगे बने उन ट्रस्टों का समावेश, कहने का तात्पर्य सभी ट्रस्टों का मिलना और सभी ट्रस्टों ने मिल करके पूरे समाज ने ग्रुपों ने मिल करके इसका आयोजन किया है। मतलब ये एक फेडरल प्रोग्राम हुआ है, इसकी सफलता का राज फेडरल प्रोग्राम है। जी धन्यवाद। इसीलिए आज भगवती माँ भारती के पावन दरबार में बावल समाज के सामूहिक विवाह का आयोजन किया। इस आयोजन समिति के बहुत से पदाधिकारी हमारे बीच में है, दिनेश जी अगटवाड़ा है, स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज जी है, साथ में राजू भाई है और हमारे साथ में स्वाभिमान के दिनेश जी समाजसेवी है। आप उनसे इस कार्यक्रम को लेकर हम आज बात करेंगे। दिनेश जी, आज का जो कार्यक्रम है उसमें कहाँ कहाँ से वर और वधू के जुड़े हैं और कितनी संख्या में? माँ वाराही के दरबार में नित्य समूह लगन आयोजित किया गया, उसमें 12 जोड़े थे और अलग अलग गांवों से थे अपने, उसमें 12 शासन सर्वगोत्रीय 12 शासन कमेटी द्वारा ये नित्य आयोजन हो रहा है, उसमें बहुत ही सफलतम आयोजन रहा और पूरे संपूर्ण समाज का सहयोग रहा। इसी तरह युवा आगे आए और हमारे कमेटी अध्यक्ष राजू भाई पीपल की हाल चेन्नई, उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ जिसमें रावल स्वाभिमान मंच के युवाओं द्वारा बहुत ही तन मन धन और संपूर्ण समाज का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और भविष्य में इसी तरह युवा आगे आए तो ऐसे आयोजन होते रहेंगे, उससे समाज की एकता बनी रहेगी, आगे भी भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहेंगे इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। लेकिन आज मैंने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर समाज की जो संख्या आई है उसे देखकर हम जो आयोजन करते हैं उस आयोजन में कहीं ना कहीं 19-20 होता है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके पीछे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आशीर्वाद प्रदान करिए। दिलीप जी, इसके बारे में आपका क्या कहना? सर्वप्रथम महावाराई के चरणों में छत नमन वंदन करते हुए मैं यह जी आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मेरा राहुल ग्रामीण समाज जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज है उनके सानिध्य में आज नित्य समूह विवाह आयोजित किए गए जिसमें 12 जोड़ों ने पुणे छत्र में बंधे और दूर दराज से अपने समाज के बंधु माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई और नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। समाज के अभूतपूर्व समाज संगम हुआ जिसमें हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा संख्या में समाज बंधु पधारे। आपने बताया कि उम्मीद से अधिक संख्या में यहाँ पर समाज बंधु पधारे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि राहुल ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वश्रेष्ठ समाज होता है उसके कार्यक्रम भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। राजू भाई, आपका ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम बहुत अच्छी की गई थी, उसके अनुरूप से ज़्यादा अच्छी रही। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सहयोग किया है, यहाँ पे हर प्रकार से हर तरह से व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि इस प्रकार से इस जगह इस व्यवस्था का परिकरण होगा तो सुनिश्चित हुआ। अब हम अंत बात में बात करेंगे, स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय संयोजक है उनसे भी बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप समाज के नाम क्या संदेश देंगे? प्रेम अमर रहे, हमारा एक ही नारा है, जय स्वाभिमान। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हर कार्य सफल होते हैं। भराई मात की कैसा रहा? अच्छा रहा। तो प्रोग्राम केरो रही हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। केरो रही हो? एकदम बढ़िया लागो आपका प्रोग्राम। जय महादेव सा।